नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नूरपुर पहुंचकर डाक बंगले पर जन समस्याओं को सुना। उसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। आपको बता दें, डाक बंगले पर नगीना सांसद चंद्रशेखर ने क्षेत्र की समस्याओं को सुना, जिसमें विशेष रूप से गांव टंडेरा में निकलने वाला रविदास जयंती का जुलूस रहा। सांसद ने दोनों संप्रदाय को बुलाकर समझौता कराया, जिसके बाद दोनों ही संप्रदाय के लोगों में सहमति बन गई। दूसरी समस्या विद्युत विभाग से संबंधित रही, जिसमें 13 घंटे की सप्लाई को लेकर जनता ने नाराजगी जाहिर की। विद्युत सप्लाई में अघोषित कटौती को लेकर विद्युत एक्शन सुधांशु श्रीवास्तव, जेई अमोल शर्मा को बुलाकर 22 घंटे की सप्लाई को लागू किए जाने की बात कही, जिसके बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में आने वाले मरीजों के रिकॉर्ड की जांच की, एक्सरे रूम, दवाओं के स्टोर रूम, पेयजल व्यवस्था, शौचालय की साफ सफाई व अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर भरे पानी को देख सांसद ने नाराजगी व्यक्त करते हुए रास्ते को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर कुलदीप सिंह, फार्मासिस्ट मनोज त्यागी, वार्ड बॉय सोपाल सिंह आदि से अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। यहाँ पर मिला है, किस तरह की आपको सुविधा यहाँ को देखिए? मैं यहाँ कुछ मिलने या देने नहीं, यहाँ की जनता ने मुझे यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का सेवक चुना। मेरी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ के हर व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं मिले। और जो हेल्थ सिस्टम है हमारा, बड़ा लचर है, यहीं का नहीं, पूरे प्रदेश का, सभी जिलों का, देश भर का। क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं वो बहुत कम जो है बजट हेल्थ सेक्टर पे खर्च करती है। मैं मानता हूँ कि आम जनता, बीमार व्यक्ति, पेशेंट जो है डॉक्टर को भगवान की तरह समझते हैं, लेकिन भगवान ही क्या करेगा अगर उसके पास जो है सीमित जो है आवश्यक चीज़ें नहीं होंगी, दवाइयाँ नहीं होंगी, अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं होंगी, एक्सरे की मशीनें नहीं होंगी, तो ये सब काम प्राइवेट सेक्टर में होगा। जहाँ आज हम हैं नूरपुर में, यहाँ कोई महिला डॉक्टर नहीं। मैंने अभी जिलाधिकारी जी को लिखा है कि यहाँ महिला डॉक्टर होने चाहिए। महिला डॉक्टर ना होने का सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जब डिलीवरी या इस तरह की परेशानी आए तो उनके परिवार को हानि ना हो जाए, तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। गरीबों की जेब कटती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये हाल है कि चाहे 500 रुपये का पर्चा बनाओ या 2000 रुपये का, उनके रेट भी ऐसे बढ़ते हैं जैसे फ्लाइट के रेट, कि अगर सुबह को मिलोगे ओपीडी में तो 500 रुपये, शाम के टाइम आओगे एमरजेंसी में 2000 रुपये। तमाम तरह की दवाइयाँ, तमाम तरह खर्चे, और इस तरह से गरीबों की जेब को चूना लग रहा है। इस बात को समझते मैं यहाँ आया था। कई खामियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की लापरवाही है। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने लिखा है अस्पताल में साफ सफाई होनी चाहिए, वो कहीं तक नहीं दिखाई दे रही। कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट उनको है, वो मैंने तत्काल जिलाधिकारी को लिख दिया, क्योंकि मैं उनमें कमी निकालने नहीं आया। जो कमी यहाँ उसको पूरा करने के लिए यहाँ आया जी। और मेरा विश्वास है कि अब इस हॉस्पिटल के जरिए यहाँ की आम जनता को इसका फायदा मिलेगा और गरीबों की जेब कटनी लुटनी बंद। ठीक, मैंने स्टॉक भी चेक किया है, मैंने इमरजेंसी रूम भी चेक किया है, मैंने जो है महिलाओं का जो बेड है वो भी चेक किए हैं, तमाम तरह से जो यहाँ की दवाइयाँ स्टॉक वो भी चेक किया है, ड्यूटी रजिस्टर से लेकर सब चीज़ चेक की। और मेरा प्रयास ये है कि यहाँ के डॉक्टर से लेकर हर एक कर्मचारी आम जनता के प्रति समर्पित हो और अपनी ड्यूटी का सही तरह से निर्वहन करें। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।